सर रामेश्वर सिंह है मेरा नाम। सर मैं खेड़ा में टमाटो का काम कर रहा था 3 महीने से, एक महीने से लॉकडाउन में फंसा हूँ सर। उधर काम ख़त्म हो गया तो सर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो थोड़ी मजदूरी करके ये साइकिल लिया वहाँ से 4000 रुपये में। तो सर अभी यूपी निकल रहे हैं जिला कासगंज में। सर 22 लोग हैं सर, 3 महीने से सर गुजरात में रह रहे थे हम, लेकिन सर उधर खाने के लिए कुछ पीने के लिए नहीं है, तो क्या करें सर? जिस जगह पर रह रहे उस जगह वालों ने भी हमें बोल दिया अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, यहाँ से निकलो, अब क्या करें सर? मजबूरी है सर, कुछ नहीं मिला सर हमें अभी तक। सामान सर कुछ चावल वगैरह हैं हमारे पास में, और सुबह में खाना बना लिया था जो अभी खा लिया थोड़ा बहुत, इधर पुलिस वालों ने चावल वगैरह दे दिया था और आप लोगों ने ये दे दिया नाश्ता भी, ऐसा है सर हमारे पास, बाकी कुछ नहीं है सामान वामान। सुबह सर 5 बजे निकले थे वहाँ से, ये मान लो खेड़ा से 20 किलोमीटर उधर से चले थे हम, ये अब यहाँ तक आ पाए सर। योगेश सर, हम खेड़ा से 20 किलोमीटर उधर रहते थे, अभी यानी करबीन 40 किलोमीटर उधर और 30 इधर 17 किलोमीटर चल चुके हैं, तो हमको अभी यूपी जाना है कासगंज जिला गांव नगला डुगरिया। सर जाना तो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही, जहाँ रहते थे टमाटर का काम करते थे उन्होंने भी वहाँ से डिगा दिया हमको, तब तो छोड़ा मजदूरी किया, साइकिल लिया हमने 4000 रुपये का सब लोगों ने, 22 लोग हैं हम, 3 महीने हो गए, 1 महीने से खाली पड़े थे। नहीं सहायता क्या सर, अभी निकल के जा रहे थे उन्होंने रोका, उन्होंने भी बजा दिया, क्या सुविधा मिलेगी यहाँ?